हेलो दोस्तों, वेलकम टू आध्यात्मिक जर्नी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम भगवद गीता के पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, तो दोस्तों उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे के श्लोक का भावार्थ जान लेते हैं। तो चलिए 21वें श्लोक का भावार्थ जानते हैं। 21वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथीपद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। केवल स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उचित उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने अपितु तो उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका ये शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना ही पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता था, तो भी वह उन्हें देखने फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वह इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि 21 से 22 श्लोक में अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं, तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगले श्लोक में उनसे क्या कहा। अर्जुन ने कहा कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी कि दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। मतलब कि जब यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था, अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिसका उससे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को विराम देते हैं। अगले वीडियो से हम जानेंगे कि आगे के श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा और संजय ने क्या कहा। नमस्कार।